हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 15 के ऊपर कि पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से पॉइंटर्स का हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे सामने दो कंडीशन आते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं या एक दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं। जैसे अब नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होता है हमारे पास में, कैरेक्टर वेरिएबल होता है, तो नॉर्मल असाइनमेंट के थ्रू सारा काम हो जाता है। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में करा हुआ कि ये हमारे पास में एक कैरेक्टर स्टोर कर रखा है str1, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल रखी है हेलो, और एक कैरेक्टर स्ट्रिंग आ रहा है str2 है, उसके अंदर 10 कैरेक्टर लेंथ दे रखी है, उसके अंदर भी उन्हें कुछ नहीं कर रखा। अब हमें ये चाहिए str2 के अंदर str1 को स्टोर कर दें, तो ये वाला जो स्टेटमेंट, ये हमारे सामने एरर देगा, जबकि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर रखा है कैरेक्टर टाइप का, पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, उसके अंदर डाल रखा गुड मॉर्निंग, और कैरेक्टर टाइप का क्यों पॉइंटर है उसके अंदर वैल्यूज को असाइन कर दिया मैंने, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, जब भी हम पॉइंटर की बात करते हैं, पॉइंटर तो क्या करता है, पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को डिनोट करता है कि पर्टिकुलर डेटा जो है किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। तो जब पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसको दूसरे वैल्यू पर असाइन करनी होगी, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वैल्यू से वैल्यू पर्टिकुलर एड्रेस से वैल्यू उठ करके दूसरे एड्रेस के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाती है। जबकि जब कैरेक्टर कैरेक्टर एरे के थ्रू ऐसा करते हैं तो वो चीजें एरर हमारे सामने शो करती है। तो इसको कैसे करते हैं, ये हम इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेंगे कोड के अंदर। सेकंड है, अगर हमने केवल एक एरेबल या एक एरे डिक्लेयर कर रखा है str1 का, जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर रखी है हेलो, और उसके अंदर भी वैल्यू बाद में हम इंटरचेंज उसकी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, जिसको हमने इनिशियलाइज कर रखा है, इनिशियलाइज करने के बाद में हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाए, तो वो भी मॉडिफाई नहीं होती है डायरेक्टली। अगर इसको मॉडिफाई करना होगा तो आपको पूरा फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं, एरे को एक्सेस करते हैं, वन बाय वन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके पॉइंटर टाइप का एरे, पॉइंटर एड्रेस जो कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर रखी है, तो उस वैल्यू को हम इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, वैल्यू एट एड्रेस, वो हमको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि पी के अंदर बाई चला गया, तो ये बाई हमको प्रिंट में दे देगा वापस से कि इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू आपकी मूव हो गई है। तो इन दोनों कैसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चल के हम प्रोग्राम में चेक करते हैं कि क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। प्रोग्राम में चलते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h का यूज क्यों करेंगे हम, नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के तौर पे, इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड ponio.h void main clrscr getch ओके। हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है कैसा, एक तो वैल्यू को चेंज करना है और एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है। सबसे पहले तो हम कैरेक्टर टाइप का एरे ले लेते हैं, s1 हमने ले लिया यहाँ पे, इसके अंदर हमने वैल्यू स्ट्रिंग टाइप के अंदर डाली, एरे की टाइप के तरह डाली है, इसके अंदर मैंने एंट्री कर दी कैसी, टेक वीडियो पीडिया। एक दूसरा कैरेक्टर ले लिया मैंने s2, अब इसको बाद में असाइन करना, तो मैंने 50 कैरेक्टर साइज दे दी और ये खत्म कर दिया। अभी देखिए इसको रन कराता हूं, कोई एरर हमारे सामने नहीं आई है। अब मैं इसको बोलता हूं s2, इसके अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए कौन सी, s1। अब देखते हैं क्या एरर आ रही है, एरर आई है क्या, s1 इज l वैल्यू रिक्वायर्ड, कि लेफ्ट के अंदर वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये हमारे सामने एरर आ गई है। जबकि इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कैरेक्टर पॉइंटर, पॉइंटर p1, इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, टेक वीडियो पीडिया, और एक दूसरा कैरेक्टर पॉइंटर ले लेता हूं मैं, पॉइंटर p2, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है, और जब यहाँ p2 के अंदर मैं सिर्फ मूव कर देता हूँ p1, तो देखते हुए रन करा के चेक करते हैं कि एरर तो कोई आई नहीं हमारे पास, एरर नहीं आई है, तो अब हमें इसको रन करा करके चेक करना पड़ेगा, रन करा के आउटपुट चेक कराना पड़ेगा। आउटपुट के लिए अभी तक हम क्या यूज करते हैं, printf, इस बार हम यूज कर लेते हैं puts, puts, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, p2, देखते हैं क्या आउटपुट हमारे सामने आता है। puts के अंदर क्या आ गया, टेक वीडियो पीडिया। अब इसको अगर हमें चाहिए तो हम printf के अंदर भी ले सकते हैं, printf /n
परसेंट एस क्यों आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग का क्या होता है परसेंट एस, कैरेक्टर का होता है परसेंट सी। अब इसको प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू एट पी टू, कंट्रोल एफ एन करा हमने। देखिए अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, जी टी सी एच टेक वीडियो पीडिया, बिल्कुल वैल्यूज प्रिंट हो गए हमारे सामने जैसा होना था। तो एक तो ये हो गया वैल्यू चेंज, डायरेक्ट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे पॉइंटर अपना रोल प्ले करता है। अब जैसे कि अब इसी प्रोग्राम में दे रही है, एस वन के अंदर हमने वैल्यू डाल रखी टेक वीडियो पीडिया, अब हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू एस वन की वैल्यू को यह मॉडिफाई कर दें कुछ, सी एल आर डाल दिया मैंने, सी एल आर इनपुट है, तो अब देखते हैं क्या एरर आती है हमारे सामने, क्या एरर आती है कि नहीं आती है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, वो ये इसके अंदर एरर आ गई है। क्यों आ गई है, क्योंकि इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसकी जगह पे हमने जो पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर ले रखा था, कैरेक्टर पॉइंटर ले रखा था पी वन, उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। देखिए पी वन इसके अंदर हम वैल्यू चेंज करते हैं कैसी, सी एल आर इंपोर्टेंट। अब इसको वापस से पुट्स के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सामने, ये पी वन, इसको मैंने रन कराया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, इसको मेरे को न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेना चाहिए ऊपर ही, तो वैल्यू चेंज हुई, इस तरह चेंज हो गई। तो हम नॉर्मल स्ट्रिंग की वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे चुके हैं। ओके थैंक यू।